1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया तब बंगाल में कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ हो लिए थे। हालांकि लंबी लड़ाई के बाद साल 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा किया उसके बाद से राज्य की राजनीति में ममता बनर्जी की उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें हमेशा लगाई जाती रही। कौन उनकी जगह लेगा इस पर चर्चा आमूमन होती रही थी। अब जबकि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने राजनीति में अपनी मजबूती साबित कर दी है तो ये साफ हो चला है कि वह सूबे के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इस पर पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी मुहर लगा दी है। सोमवार को उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ की जगह सीएम का पद संभालेंगे। कुणाल घोष का यह बयान पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में राजनेताओं की युवा पीढ़ी बनाम पुराने नेताओं पर चल रही बहस के बीच आई है। इसकी शुरुआत पिछले महीने नवंबर के अंत में हुई जब दो बार के सांसद और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, चाहे राजनीति हो या अन्य क्षेत्र, मेरा मानना है कि ऊपरी आयु सीमा होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो काम 30 साल की उम्र में करता है 35 या 50 के लोग भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन 80 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चुचुड़ा में मीडिया को संबोधित करते हुए कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी 2036 तक सेवा करती रहेंगी और तब भतीजे अभिषेक बनर्जी उनकी जगह लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की स्थिति स्पष्ट करते हुए टीएमसी प्रवक्ता ने कहा कि हम पुष्टि कर रहे हैं कि हम ममता दीदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अभिषेक बनर्जी सेनापति होंगे। वो 2036 तक सीएम रहेंगी और फिर अभिषेक को कमान सौंपी जाएगी।